রুক না, তাহলে ফোকাস তো করে নিতে। শুরু কোন দাদা? তুই শুরু কর। চলো, আসসালামু আলাইকুম, মেয়ে হুম মোহাম্মদ আসলান, দিস ইজ মাই ফ্রেন্ড বদর, ঠিক হ্যায়? তো হি ইজ আ ফটোগ্রাফার, সিন্স আই এম আ ফটোগ্রাফার, মেবি ইউ শুড নো দ্যাট। ইয়া হ্যাঁ ভাই, আবি মেয়ে ইনকে পাস আয়া হুম সিখনে কে লিয়ে। হ্যাঁ, গুরু কি মতলব কে চিজে জরুরি হ্যায় না, জব বন্দা স্টার্ট করতা হ্যায় তো অবিয়াসলি কিসি সে তো সিখতা হ্যায়, তো ইয়ে মেরে আজকাল গুরু হ্যায়। গুরুজি আর গুরুজি আজকাল ইনকো বতা রে কে ব্লগ কিস তরহ বানাতে হ্যায়, কেসে শুরু করতে হ্যায়, কেসে এন্ড করতে হ্যায়। জনাব কা ভি হালকা সা প্রোমো শুট কিয়া, বাকি দেখেন আনে ওয়ালে টাইম মে কিয়া করতে হ্যায় ইয়ে। আর বাকি স্যার, হাম বীচ পে আয়ে হুয়ে হ্যায়, জরা বীচ কা নজারা দিখায়ে ভাইয়ো কো। ইয়ে শাম কা টাইম হ্যায় বাট ফির ভি মাহল তো ইয়েই হ্যায়, শাম কে টাইম বীচ পে মজে কি ওয়াক, আর বাস এক হামসফর কি কমি হ্যায়, বাকি সব ঠিক হ্যায়। দো দো পয়েন্ট টু বি নোটেড, শোকিয়া চেক করো জনাব, শোকিয়া চেক করো। বাই দ্য ওয়ে, আজ কে ব্লগ কা জো মেইন মকসদ থা ও ইয়ে থা কে সিন্স 14 আগস্ট আনে ওয়ালি হ্যায় তো হাম আপনে পাকিস্তান কে জিতনে ভি বহন ভাই হ্যায় সবকো উইশ করনা চাহতে থে কে বহুত বহুত আজাদি কা দিন মুবারক। আর না সিরফ হামারি তরফ সে, হাম ইন সারে গোরো কো ভি ঘের কে লাতে হ্যায়, লেকিন ফির সে ফির সে রানা সাহেব থোড়া সা লেট হো গয়া, মে বাস কুক ঘন্টা ডেট, বরনা হাম টাইম পে আকে কর সকতে। পয়েন্ট পে আতে হ্যায়, পয়েন্ট ইয়ে হ্যায় কে আবি হাম এক প্রপার স্টার্ট লে রহে হ্যায়, প্রপার স্টার্ট লে রহে হ্যায়, ব্লগস বনেঙ্গে আনে ওয়ালে দিনো মে, প্র্যাঙ্কস বনেঙ্গে, প্র্যাঙ্কস হোঙ্গে, অর পাবলিক রিভিউজ এন্ড রিঅ্যাকশনস, পাবলিক রিভিউজ এন্ড এভরিথিং দ্যাট দেয়ার ইজ নিডেড অন আ প্রপার ইউ নো ইউটিউব চ্যানেল। সো ফর দ্য টাইম বিইং, হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স টু অল অফ আওয়ার ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার ওভারসিজ এন্ড ব্যাক ইন পাকিস্তান। From me as well. Yeah, from him as well, and from everybody else as well, from here. And we have another Rana, but lekin wo zara shy type ka, I think uske camera ke samne usse nahi aa jayega. Ote जी राणा साहब, राणा साहिबान इधर आए, फ्रेम में है, फ्रेम में है। तो मैं ये कह रहा था कि क्यों ना कि हम ऐसे इधर फिर रहे हैं तो लोगों से भी थोड़ी सी बात कर लें, क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? बिल्कुल सही बात है, सही मतलब कि जो कोई मतलब मिलता है हमें उससे ग्रीटिंग्स ले लेते हैं, मतलब कल इंडिपेंडेंस की मैं फिर ईद कहने लगा। सच्चे पाकिस्तानी की तो ईद ही है, लेकिन देखा गलती से सही सही बात तो निकली। तो भाई लोग, ये पता नहीं क्या बनवा के लिया भाई, ट्राई करते हैं, अगर अच्छा ना हुआ क्या कर सकते हैं। गुरु जी की तो इधर आवाज़ कम है और हम माजरत को आए, तो इसको ट्राई करते हैं। पहली दफ़ा पी रहा हूँ, ये बहुत खराब मार दिया है। अच्छा है, अच्छा है। हाँ ना, तो भाई अब ज़रा बता भी दें कि इसमें है क्या क्या तो, ये मेरे वाले में तो बेसिकली यहाँ पे किस तरह की ड्रिंक मिलती है कि इसके अंदर तीन चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहली ये कि चाय, चाय किस तरह की, तीन तरह की चाय है, उसमें से रेड जो कि मैं बनवा जो कि बेसिकली फ्रूट्स की होती है, उसके अलावा फिर इसमें सिरप जाता है। सिरप अब बहुत सारे फ्लेवर हैं तो मैंने दो फ्लेवर्स मिक्स करवाए हैं, उसके अलावा फिर तीन फ्लेवर्स के बबल्स लगवा के दिए हैं। बबल्स बेसिकली ऐसे के छोटे छोटे से गुब्बारे हैं जिनके अंदर फ्लेवर है। तो बाकी जो चीज़ पैसे पूरे कर रही है, महंगी है, आते रहना आते रहना, महंगी है तेरे भाई की दुकान है। चीज़ पैसे पूरे कर रही है, इसके लिए तो एक अंगूठा अभी दे नहीं सकता और शो नहीं कर सकता। हाँ ये वाला याद है सर, वो टेबल जब हम आए थे पहली दफ़ा बीच पे, याद है बहुत अच्छे तरीके से याद है, पहली दफ़ा जब हम तू आया था बीच पे, हम नहीं तू आया था, उधर बैठे थे। अभी दिखाते हैं आपको भी दिखाते हैं, नया नया कैमरा लिया था तब, दो तीन ड्रेस शॉट्स लिए थे यहाँ पे आके।
लेकिन बेसिकली जो पहला साइप्रस में शूट हुआ था ना वो इस पुल पे हुआ था। तो नाजरीन और सामईन ये है जी वो पुल। और अब हम इस वक्त बीच के बीचों बीच फिर रहे हैं। इतना ये मजदूर कहा था कातिया। बाकी छोटे भाई के बाल रेट करें आप, चेक करें। इधर देखें ना, इधर हो गए। क्या बात है, बाल हो तो ऐसे हो। नहीं नहीं, बाल हो तो ऐसे। कैसे? ऐसे मेरे जैसे नहीं। कर्ली बाल किसी किसी के होते हैं, और जिसके होते हैं खुशकिस्मत होते हैं। सुन लो जी, ठीक है ना, पता चल गया ना, वो खुशकिस्मत होते हैं, खुश हो जाएं। ये भाई ने कहा, ये इस वाले भाई ने। हाँ जी, हाँ जी, यस। अच्छा तो खे मोगी होगी। हाँ जी, तो ये हो गई है ख़त्म। काफ़ी अच्छी थी भाई, लाइक वन लाइक, अच्छी थी। और ये जो होते हैं ना, ये फेंकने के लिए एक जगह होती है, उसे कहते हैं डस्टबिन। ये ख़ास तौर पे मैं भी फेंकता था जब मैं पाकिस्तान में था। लेकिन ये चीज़ें फेंकने के लिए ना डस्टबिन होती है, तो उसमें फेंकनी चाहिए। ये कोई देखेगा शायद, कोई अमल कर ले। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। आप भी बोले सर, पाकिस्तान सुथरा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान सेहतमंद पाकिस्तान। हमारा पाकिस्तान सुथरा पाकिस्तान, सेहतमंद पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान। बट ठीक है, फिलहाल साइप्रस में ही रह रहे हैं आप। ठीक है, हाँ जी सर। मेरी तरफ से भी यही कुछ है, मेरी तरफ से भी सेम सर। हाँ जी, ठीक है। ये अली बच्चे अभी है यार, अभी चाय भरा हुआ है इधर। Bravo रे फीलिंग। सीन्स चेक करें यार आप। ओ शिट, तो सर ये व्लॉग शुरू तो हुआ था कुछ आज़ादी की बातों से, YouTube की बातों से, तो अभी इसको ख़त्म करते हैं। तो जी, एक दफ़ा फिर आप सबको, आपकी फैमिली को, पूरे पाकिस्तान को हमारी तरफ से, और ऐसे ही जो बाहर रह रहे हैं उन सब की तरफ से आपको जश्न आज़ादी मुबारक। तो यहीं पे आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। आ जाएँ भी एक दफ़ा। मैंने इनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था वैसे। ये है मेहताब भाई, राणा साहब, ये राणा साहब, ये भी राणा साहब। हेलो, ठीक है फिर, ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदा।